रिसाइकलिंग। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, लिखने वाली कॉपियों से लेकर किताबों के पन्ने, अंडों की ट्रे, अखबार, दुकानों में मिलने वाले बैग और गत्ते की पेटियों तक कागज के ढेर सारे उत्पाद दिखाई देंगे। यहाँ सबसे अहम तथ्य यह है कि कागज हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। आप शायद जानते होंगे कि कागज अमूमन पेड़ों से आता है, पेड़ों को काटा जाता है और फिर उन्हें पल्प बनाने वाली एक औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में लिग्निन नाम का पॉलीमर अलग हो जाता है और यह वही पदार्थ है जो पेड़ों को उनका मजबूत और सख्त ढांचा देता है। साफ बात है कि कागज तैयार करने में बहुत बड़े स्तर पर जंगलों का सफाया हो जाता है। मुख्य मुद्दा यह है कि पेड़ दोबारा नहीं लगाए जा रहे, या अगर लगाए भी जा रहे हैं तो वो उस रफ्तार से बड़े नहीं होंगे जिस रफ्तार से उन्हें काटा जा रहा है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है क्योंकि पेड़ों के कटान से पर्यावास नष्ट होते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बिखर जाते हैं। यह परोक्ष रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। वन विनाश के कारण पहाड़ों में भूस्खलन हो सकते हैं, फलस्वरूप बाढ़ें आती हैं। इसका एक स्पष्ट समाधान यही हो सकता है कि कागज के उत्पादों को रिसाइकल किया जाए। इस वीडियो में हम कागज की रिसाइकलिंग के बारे में जानेंगे और साथ ही इस औद्योगिक प्रक्रिया के फायदे और नुकसानों को भी समझेंगे। कागज दरअसल सेल्यूलोज के रेशों की आड़ी तिरछी बनावट है। याद करें कि सेल्यूलोज या ग्लूकोज के मोनोमरों की लंबी लड़ियां यानी पॉलीमर है। अगर आप कागज का एक टुकड़ा फाड़कर नजदीक से देखेंगे तो इसमें बाल जैसे बारीक रोएं बाहर झांकते हुए पाएंगे। ये बारीक रोएं ही सेल्यूलोज के रेशे यानी फाइबर है। जब कागज के उत्पादों को रिसाइकल किया जाता है तो सेल्यूलोज के रेशे अलग अलग हो जाते हैं और उन्हें एक नए उत्पाद के रूप में फिर से बुन लिया जाता है। कुछ देशों में कागज की रिसाइकलिंग को बेहद प्रोत्साहित किया जाता है और रद्दी कागजों के लिए खास तरह के कूड़ेदान भी रखे जाते हैं। इसके बाद कागज के कचरे को इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें उनके गुणों के आधार पर अलग अलग किया जाता है। कागज के पन्नों को दूसरे पन्नों के साथ और गत्ते के डब्बों को दूसरे डब्बों के साथ रिसाइकल किया जाता है। अब इससे पहले कि कागज को रिसाइकल किया जाए उसमें लगी तरह तरह की स्याही को हटाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को डी इंकिंग कहते हैं। ज्यादातर स्याहियां पेट्रोलियम आधारित होती हैं, जिन्हें कच्चे तेल के उत्पादों से तैयार किया जाता है। इन्हें अलग करना आसान नहीं होता। इन दिनों सोया आधारित स्याहियां विकसित की जा रही हैं, जो पुनः नवीकरणीय संसाधनों से तैयार की जाती हैं, और इन स्याहियों को कागज से हटाना आसान होता है। कागज में लगे स्टेपल और पेपर क्लिपों को चुंबक की मदद से अलग किया जाता है और गोंद धोने से निकल जाता है। घोल की सफेदी बढ़ाने के लिए उसमें कभी कभी ब्लीच भी मिलाया जाता है और इससे तैयार होने वाला कागज उत्पाद ज्यादा चमकदार बनता है। घोल में मौजूद सेल्यूलोज के रेशों में नई लुगदी मिलाई जाती है और फिर इस मिश्रण को एक पट्टी में फैलाकर रोल किया जाता है ताकि कागज की एक नई शीट तैयार हो जाए। इस चरण में घोल में मौजूद अतिरिक्त पानी हवा से सूखने से पहले ही अलग हो जाता है। कागज की रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसे कुछ ही बार दोहराया जा सकता है। रिसाइकल्ड कागज का इस्तेमाल अमूमन रसोई में इस्तेमाल होने वाले पेपर नैपकिन, टॉयलेट पेपर और पैकेजिंग सामग्री बनाने में किया जाता है। हर बार जब किसी कागज के उत्पाद को रिसाइकल किया जाता है इसमें मौजूद सेल्यूलोज के रेशे छोटे होते जाते हैं। इस तरह तैयार होने वाला रिसाइकल कागज पहले से थोड़ा कम उपयोगी हो जाता है। हालांकि इसे किसी और काम के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। क्या आप याद कर सकते हैं कि सेल्यूलेज क्या है? संकेत के लिए, यह एक एंजाइम है। अब वीडियो को रोककर सोचें और जब याद आ जाए तो फिर से चालू करें। सेल्यूलेज एक एंजाइम है जो सेल्यूलोज को बनाने वाली ग्लूकोज की श्रृंखला को तोड़ देता है।
अभी सेल्युलोज का औद्योगिक उपयोग सेल्युलोज को ग्लूकोज में तोड़ने में किया जाता है। इस तरह मिलने वाले ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए इसे कुछ खास बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंट किया जाता है। इस एथेनॉल का इस्तेमाल जैविक ईंधन के तौर पर किया जाता है। सारांश में कहें तो कागज के उत्पादों को रिसाइकल करने से जंगलों के विनाश को रोकने में मदद मिल सकती है और इससे ऊर्जा की खपत भी कम होती है। हालांकि कागज को कुछ ही बार रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन सेल्युलोज के रेशों को ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिन्हें अन्य पर्यावरण स्नेही उपयोगों में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। Thank you.